हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। आज हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट। कंप्लीट एक ही वीडियो में दिया गया है, नोट्स भी हैंड रिटन है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन एक्चुअल में होता क्या है। तो फर्स्टली स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखो, पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हम। द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड हैज टर्म्स अ डिसिप्लिन, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन की, जो मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन हमारा होता है, सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ तो डिसिप्लिन वर्ड का मतलब होता है टू ओबे, यानी किसी चीज़ का पालन करना। यानी नॉर्मली जो हम डेली बेस में डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं वो होता है फॉलो करना, ओबे करना। बट अगर हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी, जिस एरिया के अंदर, जिस फील्ड के अंदर हम स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम साइंस के फील्ड की बात करें तो उसके अंदर पर्टिकुलर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वहाँ पे साइंस के अंदर बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप वहाँ पे फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या है, एरिया ऑफ स्टडी है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिस लेटिन वर्ड जो कि कौन सा है, डिसिप्लस, जिसका मतलब होता है प्यूपिल। एक दूसरा वर्ड है डिसिप्लिना, जिसका मतलब होता है टीचिंग। तो ये हमारा ऑल ओवर हो गया डिस्कशन इंट्रोडक्शन, जो कि किसका है, डिसिप्लिन का। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्या क्या इसकी खासियत है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, यानी जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन मैन कैन नॉट यूटिलाइज पावर प्रॉपरली, यानी कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो जो पीपल हैं, जो इंसान हैं, वो उस पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जो गॉड द्वारा दी गई है, यानी नेचर द्वारा जो हमें एक पावर दी गई है उस पावर का हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम उस पावर को एक न्यू थिंग बनाने में, डेवलप करने में यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि पीपल कैन अटेन पावर विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन, जो पावर मैंने अभी बताई जो नेचर से हमें मिलती है, उस पावर को अटेन करने में कौन हेल्प करता है, डिसिप्लिन हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, या ये जो है डिसिप्लिन वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो डिसिप्लिन है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल में किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ये जो नोट्स है मैंने ऑल ओवर आपके लक्ष्मी की जो पब्लिशर की जो बुक है उस बुक की हेल्प से बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उस बुक में ये कॉमन चीज़ें सर्च करके आपको वहाँ से जो ईजी लगता है वो आप कंटेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिसिप्लिन इन स्कूल जनरली मीन्स, अगर डिसिप्लिन का हम जनरली मीनिंग बताएं स्कूल की लैंग्वेज में, तो वो होता है ऑर्डर एंड सिस्टम इन डूइंग थिंग, यानी जब हम किसी चीज़ को, किसी ऑर्डर को एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट करते हैं, एक रेगुलरिटी से, या हम कोई किसी चीज़ को फॉलो करते हुए किसी कमांड को उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसी हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। नेक्स्ट वहीं अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो डिसिप्लिन है वो एक सिनोनियम है, तो एक्चुअली जो डिसिप्लिन है वो एक सिनोनियम नहीं है क्लास ऑर्डर का, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एक तरीके से ऑर्डर हो सकते हैं क्लास में जो रेगुलरिटी से फॉलो करे जाते हैं, बट एक्चुअल में इसका जो सिनोनियम है वो क्लास ऑर्डर नहीं है। This should be identified with orderly behavior in the classroom and other class activities. इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसे identify करा जाता है, this should be identified with orderly behavior, जहाँ पर आप orderly किसी behavior को follow कर रहे हैं किसी classroom के अंदर, या फिर कोई अदर स्कूल एक्टिविटीज़ जो स्कूल में ना की गई हूँ, मतलब सॉरी अदर एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर हों, तो वो चीज़ आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर कैन ऑल्सो बी मेंटेन्ड बाय फोर्स ऑफ फियर, कई बारी इस ऑर्डर को डर के द्वारा भी मेंटेन किया जाता है, जैसे कि क्लासरूम के अंदर हम देखते हैं, पर ये डिसिप्लिन के अंदर काउंट
नहीं होता है। जो हम एक डर के द्वारा डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं वो डिसिप्लिन के अंदर क्रिएट नहीं काउंट नहीं होता है। रियल डिसिप्लिन इम्प्लाइज करता है प्रसुएशन को, और जो ऑर्डर ऑफ इम्प्लाइज होता है जिसका मतलब होता है कंपल्सेशन, ठीक है, कंपल्शन। तो ये इनके दोनों मतलब होते हैं, रियल डिसिप्लिन और ऑर्डर। रियल डिसिप्लिन इम्प्लाइज और ऑर्डर, ऑर्डर इम्प्लाइज का। देन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर कौन कौन से डिसिप्लिन होते हैं। तो डिसिप्लिन इन अ कंटेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, जो डिसिप्लिन होता है वो एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का ही एक क्या होता है, हिस्सा होता है, कंपोनेंट होता है। क्लासरूम डिसिप्लिन रेफर टू द स्ट्रेटजीज अ टीचर यूज टू मैनेज स्टूडेंट बिहेवियर, यानी कि जो क्लासरूम डिसिप्लिन के अंदर, यानी ये रेफर करता है एक तरीके से जो टीचर द्वारा क्लास के अंदर जो बिहेवियर बनाया गया है, उस बिहेवियर को मैनेज करा गया है, उसके लिए जो भी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। यानी कि ऐसी स्ट्रेटजीज जो टीचर द्वारा यूज करी गई हैं क्लास के बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है, मोस्ट डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेन स्टाइल्स एंड अप्रोचेस, यानी कि जो डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज हैं या जो उसको कैटेगराइज किया गया है 3 मेन स्टाइल्स में या 3 मेन अप्रोचेस में। तो चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, सेकेंड है सपोर्टिव डिसिप्लिन, और थर्ड है करेक्टिव डिसिप्लिन। तो ये 3 इसके पार्ट है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन, वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके थ्रू आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट है द बेस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी लव, ट्रस्ट एंड गुडविल, यानी कि जो डिसिप्लिन है वो प्यार, भरोसा और गुडविल के बेसिस पे बनाया जाता है, उसके बेसिस पे बनाते हैं उसको। नेक्स्ट है फियर और डाउट बेस्ड डिसिप्लिन इज क्वाइट टेम्परेरी और मोमेंट्री, यानी कि डर के बेस पे बनाया गया, डर या डाउट के बेसिस पे बनाया गया कोई डिसिप्लिन वो क्वाइट टेम्परेरी होता है, यानी टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए होता है, मोमेंट्री, ठीक है। आप उसको चाहे तो मोमेंट्री लिख दो, आप चाहे तो उसको क्वाइट टेम्परेरी लिख दो। नेक्स्ट है गुड डिसिप्लिन शुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, यानी कि जो गुड डिसिप्लिन होता है वो कोऑपरेशन पे बेस्ड होता है। कोऑपरेशन यानी कि किस तरीके से, जैसे स्कूल में आप देखते हैं टीचर्स जो होते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं, हेडमास्टर्स जो होते हैं, वो सभी आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो उस चीज पे बेस्ड होता है डिसिप्लिन। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा, फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन पनिशमेंट शुड नॉट बी यूज्ड, यानी कि जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए पनिशमेंट की जरूरत नहीं होती, ना ही आप उसको यूज करो। पर कई बारी हमें जब लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा जो हम करना चाहते हैं तो हम पनिशमेंट की हेल्प ले सकते हैं, पर हमेशा नहीं। नेक्स्ट है टू कंप्लीट क्लाइमेट ऑफ स्कूल बी मेड ब्यूटीफुल एंड कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि हमें स्कूल का जो कम्प्लीटली एनवायरनमेंट है वो ब्यूटीफुल और कोऑर्डिनेटिंग बनाना चाहिए, उसके बेसिस पे हमें इसको फॉलो करना चाहिए कि जो एनवायरनमेंट है वो ब्यूटीफुल हो और साथ में कोऑर्डिनेट करने वाला हो एक दूसरे को। नेक्स्ट है द स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि हमें बच्चों को नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए प्रोवाइड करे जाने चाहिए। देखो हमें स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए ऐसा नॉलेज कि हम नॉलेज को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें इसको नॉलेज को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। द स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो प्रोवाइड करे जाने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि है अकेडमिक डिसिप्लिन। तो अकेडमिक डिसिप्लिन एक्चुअल में होता क्या है, अकेडमिक डिसिप्लिन मेड अप ऑफ टू वर्ड, जो अकेडमिक डिसिप्लिन है वो दो वर्डों से मिलके बना है, फर्स्ट इज अ अकेडमिक, सेकेंड इज अ डिसिप्लिन। तो अकेडमिक का मतलब होता है विच इज टू स्टडी, क्या आप स्टडी करते हैं, जो भी आप स्टडी करते हैं जहां पर, उसे कहते हैं अकेडमिक। डिसिप्लिन का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टडी, जिस एरिया के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं।
नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन का क्या मीनिंग होता है? तो एकेडमिक डिसिप्लिन का जो मीनिंग होता है एकेडमिक डिसिप्लिन और एकेडमिक फील्ड। एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें या एकेडमिक फील्ड की बात करें, ये दोनों ही नॉलेज की एक ब्रांच है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें द ब्रांच ऑफ साइंस आर द कॉमनली रेफर टू एज द साइंटिफिक डिसिप्लिन। जो ब्रांच है साइंस की वो कॉमनली रेफर करती है साइंटिफिक डिसिप्लिन से। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये सभी जो क्या हैं ब्रांचेस हैं साइंस डिसिप्लिन की। नेक्स्ट अगर हम वहीं पर ही बात करें, नेक्स्ट इसका मैंने एक आपको एक ड्रॉ, ये ड्रॉ आप देख लो, एक डायग्राम है, इसके अंदर आप चाहें तो आप इसको इस डायरेक्शन में रीड कर लें, चाहे तो आप इसको इस डायरेक्शन में रीड कर लें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले डिसिप्लिन होता है जो कि सबसे बड़ा एक ब्रॉडर पार्ट होता है डिसिप्लिन, जिसके अंदर आता है हमारा स्कूल सब्जेक्ट कि हम कौन से सब्जेक्ट आपका स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कैरिकुलम कि उस स्कूल सब्जेक्ट के अंदर कौन सा कैरिकुलम आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट आप स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कंटेंट कि कौन सा कंटेंट उसके अंदर है। अगर हम इसको यहाँ से इधर की साइड पढ़ना शुरू करें तो कंटेंट क्या है, छोटा सा एक टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, वो टॉपिक किस सब्जेक्ट का है और वो सब्जेक्ट किस कॉरिकुलम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या वो सब्जेक्ट आपके स्कूल में है, आपका स्कूल उस सब्जेक्ट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट उस सब्जेक्ट का डिसिप्लिन क्या है। ऑल ओवर ये सारी चीजें इस तरीके से आप इसके ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं, डायग्राम को सॉरी। अगर हम यहाँ पे बात करें इन अदर वर्ड एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड, अदर वर्ड में अगर हम बात करें एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड स्टडी होती है, एकेडमिक फील्ड ऑफ स्टडी वो ब्रांच होती है नॉलेज की विच इज थॉट एंड रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है या फिर आपको उस फील्ड में रिसर्च करवाई जाती है हायर एजुकेशन पे, उसे ही हम क्या कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन या फिर हम उसको कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन फील्ड, है ना, फील्ड ऑफ स्टडी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन कौन कौन सी होंगी, यानी वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंस होंगी जो एकेडमिक डिसिप्लिन इन एजुकेशन के अंदर आती होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका इट इज टेक्निकल टर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एंड सिस्टमैटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, यानी कि ये एक टेक्निकल टर्म है किस चीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, जहां पर भी आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप लर्निंग कर रहे हैं, जहां पर आप सिस्टमैटिक प्रोडक्शन कोई भी नॉलेज का हो रहा है न्यू नॉलेज का, उसे हम क्या कहते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन, वहां पर इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है कि डिसिप्लिन आर आइडेंटिफाई विथ थॉट ऑफ सब्जेक्ट, जो थॉट ऑफ सब्जेक्ट जो डिसिप्लिन है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। एवरी सब्जेक्ट थॉट एट स्कूल और यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी कॉल्ड डिसिप्लिन, यानी कि हर एक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाया जा रहा है स्कूल या यूनिवर्सिटीज में आप उसको डिसिप्लिन नहीं कह सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेचर और करेक्टरिस्टिक्स की डिसिप्लिन की, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इट इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये एक ऐसी बॉडी होती है जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है जिसके पास। नेक्स्ट है ये डिसिप्लिन हैव थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, यानी हर एक डिसिप्लिन का हर एक सब्जेक्ट का अपनी पर्टिकुलर थ्योरीज और कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना, और हर एक डिसिप्लिन के अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और रिसर्च होती है कि उसे किस फील्ड पे रिसर्च करनी है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि इट यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, हर एक डिसिप्लिन हर एक सब्जेक्ट अपनी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को यूज करता है कि वो कौन से टर्म को यूज करना चाहता है, वो यूज करता है स्पेसिफिक मेथडोलॉजी, यानी कि हर एक सब्जेक्ट की हर एक डिसिप्लिन के अपने अपने मेथड्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन, यानी कि हर एक इंस्टीट्यूशन क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिसर्च मेथड, यानी कौन कौन से स्पेसिफिक रिसर्च मेथड को वहां पे यूज करा जा रहा है जहां पर आप वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। सॉरी, इट हैव कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट, यहाँ पर कम्युनिटी एक्सपर्ट होते हैं जो आपको चीजें सिखाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर,
इट हैव इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी इसमें कल्चरल हेरिटेज का भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप देखते हैं जो हमारे कल्चर और हमारे पुराने जो पूर्वज होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें समझ के पढ़ के वो चीज़ें रिटर्न फॉर्म में हमें देकर गए हैं ताकि हम उसको आने वाले टाइम में पढ़ सकें। तो जो कल्चरल हेरिटेज है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस न्यू नॉलेज, ये क्या करते हैं एक न्यू नॉलेज को हमें प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कितने टाइप्स होते हैं टाइप्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल इट जनरली डिवाइड इनटू टू टाइप्स, यानी कि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज लेवल पर हैं उनको डिवाइड करा गया है टू टाइप्स के अंदर। तो वो टाइप्स कौन कौन से उनको देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट स्टडीड और स्कूल, यानी कि उन सब्जेक्ट के बेसिस पे इसको कैटेगराइज करा गया है। फर्स्ट है नेचुरल साइंस, सेकेंड है ह्यूमैनिटीज। अच्छा, नेचुरल साइंस के अंदर आप साइंस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज के अंदर आप सोशल साइंस और सिविक्स ज्योग्राफी वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मतलब ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ते हैं मेनली। सोशल साइंस के अंदर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स वो सभी पढ़ते हैं। फॉर्मल साइंस के अंदर आप साइंस के कंटेंट को पढ़ सकते हैं। और कॉमर्स के अंदर आप पढ़ते हैं कॉमर्स वाली चीज़ों को, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गई, आपकी अकाउंटेंसी हो गई, ये सभी सब्जेक्ट इसके अंदर आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथडोलॉजी, यानी टीचिंग लर्निंग मैथडोलॉजी के बेसिस पे आप कौन कौन से इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी, सेकेंड है ट्रांस डिसिप्लिनरी, सेकेंड है क्रॉस डिसिप्लिनरी, फोर्थ है इंटर डिसिप्लिनरी, फिफ्थ है डिसिप्लिनरी नॉलेज। सो इनको भी आप पर्टिकुलर आगे जाके पढ़ेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या होता है, इंटर डिसिप्लिनरी क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में, इसका थोड़ा सा पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल कैरिकुलम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि स्कूल कैरिकुलम के अंदर डिसिप्लिनरी नॉलेज का क्या रोल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो डिसिप्लिन इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी, ये एक सिस्टमेटाइज बॉडी होती है ऑफ नॉलेज की इन अ वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर, जो कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर वहीं मैं आपको एक दूसरे डेफिनेशन की बात करूं, द नॉलेज ऑफ सच डिसिप्लिन इन नोन एज डिसिप्लिनरी नॉलेज, यानी ऐसी नॉलेज जो आपको डिसिप्लिन के बारे में बताती है उसे हम डिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल कैरिकुलम कैन बी अंडरस्टूड एट अ फोर लेवल, हम स्कूल कैरिकुलम के अंदर इसको फोर लेवल्स में स्टडी करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं। फर्स्ट है स्पेसिफिक फैक्ट एंड प्रोसेस, यानी स्पेसिफिक फैक्ट एंड प्रोसेस के थ्रू। सेकेंड है बेसिक आइडियाज के थ्रू हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको समझते हैं। फोर्थ है थॉट सिस्टम के थ्रू हम इसको समझते हैं। फर्स्ट इसकी बात करते हैं स्पेसिफिक फैक्ट एंड प्रोग्रेस, इसमें क्या प्रोसेसेस, इसमें क्या होता है। दिस इज अ फर्स्ट लेवल, ये एक फर्स्ट लेवल होता है नॉलेज का, जहाँ जिसको लो लेवल नॉलेज भी कहते हैं, जहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर हम चीज़ों को मेनली याद रखते हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को स्पेसिफिक फैक्ट के थ्रू याद रखते हैं, जैसे कि कोई डेट हो गई, कोई इवेंट हो गया या पार्ट ऑफ सिस्टम हो गया, वहाँ पर हम इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेसिक आइडिया क्या होता है, ये नेक्स्ट लेवल होता है नॉलेज का, जहाँ पर आप ट्राई करते हो अकेले किसी चीज़ को समझने के लिए। दिस आर स्पेसिफिक लॉज एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल, जिसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक लॉज होते हैं, जैसे कि आप साइंस के अंदर लॉज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जहाँ पर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर पाते हैं, वो होता है बेसिक आइडिया। एग्जांपल के लिए आइडिया लाइक क्लाइमेट, कि बादल कैसे बनते हैं, क्लाइमेट कैसे फॉर्म होता है, सॉइल क्रॉप से किस तरीके से रिलेटेड है, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट जो है थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज होता है, जहाँ पर आप थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज होता है इन अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ हाईली अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, दे कैन बी स्टडीड इन आइसोलेट, जिसको आप आइसोलेट में यानी अकेले में स्टडी नहीं कर सकते। आप यहाँ पर स्कूल के एनवायरमेंट से जोड़कर या कैरिकुलम से लिंक करके चीज़ों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉन्सेप्ट लाइक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप अकेले कमरे में बंद होकर अकेले खुद चीज़ों को नहीं समझ सकते, आपको उसके लिए अपने एनवायरमेंट में देखना होगा क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, इक्वालिटी के चीज़ों को
भी आप एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ही आप उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट है जेंडर, इन टर्म को भी आपको एनवायरनमेंट में जाके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है थॉट ऑफ सिस्टम, जो थॉट ऑफ सिस्टम है ये कंपोज करता है किस चीज़ को, ये कंपोज करता है प्रोपोजिशन एंड कॉन्सेप्ट विद डायरेक्टली इंक्वायरी एंड थॉट, द डायरेक्ट क्वेश्चन वी आस्क द रिस्पॉन्सेज एक्वायर एंड मैथड यूज टू एक्वायर दैम कॉन्स्टिट्यूट द थॉट सिस्टम। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ये थॉट सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आप बच्चों से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं और वो बच्चा क्वेश्चन को सोचता है, उसके आंसर को सोचता है, एनालाइज करता है और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये आता है थॉट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आता है कैरिकुलम, जो कैरिकुलम आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो कैरिकुलम क्या होता है, कैरिकुलम इंक्लूड करता है ऑल दोज एक्टिविटी को विच आर कैरिड इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम। कैरिकुलम के अंदर वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो आप क्लासरूम के अंदर परफॉर्म करते हैं या फिर क्लासरूम के बाहर परफॉर्म करते हैं। कोई बच्चा अगर उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, अपने डेवलपमेंट के लिए, है ना, हेल्पफुल डेवलपमेंट के लिए, तो उसे हम कहते हैं कैरिकुलम। कैरिकुलम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट इज कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि क्लास के अंदर होती हैं, सेकेंड है को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि क्लासरूम के बाहर होती हैं, आउटसाइड द क्लास। नेचर ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज क्या है, जो नेचर है डिसिप्लिन नॉलेज का स्कूल कैरिकुलम के अंदर वो क्या है, एवरी डिसिप्लिन नॉलेज हैज आवर मैथडोलॉजी। यानी हर एक डिसिप्लिन नॉलेज की अपनी खुद की मैथडोलॉजी होती है, अपने खुद के मैथड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एवरी डिसिप्लिन हैज आवर कॉन्टेंट विच डिफर फ्रॉम अदर, यानी हर एक डिसिप्लिन का अपना खुद का कंटेंट होता है जो एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। एवरी डिसिप्लिन हैज़ अवन एम एंड ऑब्जेक्टिव, हर एक डिसिप्लिन के अपने खुद के एम ऑब्जेक्टिव होते हैं, अपना खुद का एम होता है। हर एक डिसिप्लिन का खुद की नॉलेज होती है। एवरी डिसिप्लिन नॉलेज इन इज वेल डिफाइंड, हर एक डिसिप्लिन की जो नॉलेज होती है वेल डिफाइंड होती है, प्लान्ड होती है, ऑर्गेनाइज होती है हर एक डिसिप्लिन की। नेक्स्ट है कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिप्लिन हैव डिफरेंट टेक्स्ट बुक, यानी हर एक टेक्स्ट बुक के अलग अलग डिफरेंट अलग अलग काइंड्स होते हैं, हर एक टेक्स्ट बुक के अपने अलग अलग डिसिप्लिन के काइंड्स होते हैं। सिक्स है कि एवरी डिसिप्लिन नॉलेज एंड आवन सपोर्ट सिस्टम इन स्कूल कैरिकुलम, हर एक डिसिप्लिन नॉलेज के अपने खुद के सपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम होते हैं स्कूल कैरिकुलम के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कूल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज इन स्कूल कैरिकुलम, क्या रोल होगा डिसिप्लिन नॉलेज का इन स्किल इसकी स्कूल कैरिकुलम के अंदर, ये हेल्पफुल होता है अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्कूल एजुकेशनल एम और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। सेकंड है नेशनल इंटीग्रेशन को में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन प्रोसेस में ये हेल्पफुल होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट, चिल्ड्रन का जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस, यानी सोशल अवेयरनेस को डेवलप करने में भी ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिक्स क्या है, ये डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल सिविलाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट ये हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड की, कौन कौन से टीचिंग मेथड टीचर को यूज़ करने चाहिए, ये प्रिपरेशन ऑफ बुक में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, वेल ऑर्गेनाइज एजुकेशनल सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये स्किल को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या डिफरेंसेस क्या क्या होंगे डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट में, तो इसका फर्स्ट जो डिफरेंस होगा, डिसिप्लिन रेफर टू ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी, जो डिसिप्लिन है वो एक ब्रांच है, वो रेफर करता है ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी से, और जो स्कूल सब्जेक्ट है वो रेफर करता है ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टडीड और थॉट, क्या आपको पढ़ाया जाता है और कितनी आपको इस चीज़ की नॉलेज है, वहाँ से ये क्या करता है कि रेफर करता है। सेकेंड है ये प्रोड्यूस करता है एकेडमिक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये एकेडमिक और स्पेशलाइजेशन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोवाइड करता है आपको बेसिक स्टडी ऑफ नॉलेज किसी भी कंटेंट की। नेक्स्ट है इट नेचर इज कॉम्प्लेक्स, इसका जो नेचर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और इसका नेचर जो होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है। ये इंक्लूड करता है कॉम्प्लेक्स थ्योरीज ऑफ एजुकेटर्स को, है ना, और ये इंक्लूड करता है सिंपल आइडियाज और इन्फॉर्मेशन को। जो डिसिप्लिन है
डिसिप्लिन एम इज डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल. जो डिसिप्लिन होता है वो उसका जो एम होता है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल को डेवलप करना होता है. पर जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर का जो एम होता है वो डेवलप करना होता है स्किल और अवेयरनेस को. ये लेस स्कोप, इसका जो स्कोप होता है डिसिप्लिन का वो लेस होता है. और स्कूल सब्जेक्ट का जो डिसिप्लिन स्कूल सब्जेक्ट का जो स्कोप होता है वो वास्ट यानी बहुत बड़ा होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, आप कैसे इस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्कूल सब्जेक्ट को. तो द फॉर्मेशन ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट ब्रॉडली कंस्ट्रक्टेड इन्वॉल्व थ्री लेवल्स. इसको तीन लेवल में कैटेगराइज करा गया है. फर्स्ट है सोसाइटल कैरिकुलम, जिसको आप आइडियल और एब्स्ट्रैक्ट कैरिकुलम भी कहते हैं. सेकेंड है प्रोग्रामेटिक कैरिकुलम, जिसको आप टेक्निकल और ऑफिशियल कैरिकुलम भी कहते हैं. नेक्स्ट है क्लासरूम कैरिकुलम, जो कि क्लास के अंदर बनाया जाता है, क्लास का जो कैरिकुलम है उसे कहते हैं. मतलब जो कंस्ट्रक्शन है यानी इसको तीन स्कूल सब्जेक्ट को तीन लेवल्स पे बनाया जाता है, जो कि लेवल ये है. नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है. इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है जो कि है अल्टरनेटिव डिसिप्लिन. तो चलिए इसको और डिस्कस कर लेते हैं. इसमें क्या है कि मीनिंग क्या होगा. मीनिंग सब्जेक्ट नॉलेज इन द एक्चुअल नॉलेज टीचर्स एज एक्सपर्ट्स टू टीच. यानी जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो एक सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, एक्चुअल नॉलेज होती है, जो टीचर या एक्सपर्टीज द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, टीच करवाया जाता है. या तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट टीचर इज गोइंग ऑन टीच. यानी कोई भी सब्जेक्ट टीचर जब आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज दे रहा है तो उसे आप कहते हैं सब्जेक्ट मैटर नॉलेज. जो नॉलेज अबाउट मेजर कॉन्सेप्ट, इसके जो है कुछ मेजर कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम कंटेन बिग थॉट, जैसे मैथ साइंस हिस्ट्री ये सभी आ जाएंगे. यहाँ पर क्या है, टीचर नीड टू नो अबाउट देयर सब्जेक्ट. टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए. पहला, टीचर को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्या वो पढ़ाने वाले हैं. नेक्स्ट, अच्छा सब्जेक्ट मैटर एक्चुअली वो होते हैं, जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो उसे आप सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मैटर होगा, जो कंटेंट होगा उसे बोलते हैं. तो टीचर को क्या क्या क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सेकेंड, उनको फैक्ट क्लियर होने चाहिए कि इस फैक्ट का क्या मतलब हो गया. नेक्स्ट है थ्योरीज एंड डिसिप्लिनरी नॉलेज उनको पता होने चाहिए. नेक्स्ट है कि शुड हैव फैक्चुअल नॉलेज उनको होनी चाहिए. नेक्स्ट है गाइडिंग दियर स्टूडेंट अचीव वेल इन फ्यूचर. यानी ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उनका जो स्टूडेंट्स है वो बेटर चीज़ों को अचीव कर सके. नेक्स्ट है उनको एक टीचिंग मेथड का यूज़ करना आना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ होना है. नेक्स्ट है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज. सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की क्या क्या नीड और इम्पॉर्टेंस होंगी. तो प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इज बेस्ट वे. यानी कि जो आज वो पढ़ रहा है वो प्रेजेंट चीज़ हो, जो आज वो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं वो किसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होना चाहिए. नेक्स्ट है बेस्ट वे में उनको पढ़ाया जाना चाहिए. डिजाइनिंग एंड प्लानिंग वर्ड फॉर स्टूडेंट, यानी कि जो डिज़ाइन कराना, मतलब जो भी कंटेंट उनको दे रहे हैं वो डिज़ाइन और पहले से डिज़ाइन करा होना चाहिए और प्लान करा हुआ होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट है कि यूज इफेक्टिव पैडागोजी स्किल. वहाँ पर पैडागोजिकल स्किल, डिफरेंट पैडागोजिकल स्किल का यूज़ करा जाना चाहिए. नेक्स्ट क्या है कि नीड लर्निंग प्रोसेस स्मूथली. यहाँ पर जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्मूथली बना हुआ होना चाहिए. नेक्स्ट है इसकी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्दी डिस्कशन के लिए. ये इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेटिव एंड सोमेटिव फीडबैक के लिए भी, और ये हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस. प्रोग्रेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि प्रोग्रेस के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है. इट मेक लर्निंग प्रोसेस बिकम इंटरेस्टिंग एंड ईजी. ये जो है लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी बनाता है. नेक्स्ट क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू करियर ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट. ये स्टूडेंट के करियर ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट मेक्स पॉजिटिव प्यूपिल रिलेशनशिप. ये प्यूपिल यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है.
अकॉर्डिंग टू सुलेमन टैपोलॉजी, सुलेमन टैपोलॉजी एक क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को तीन टाइप्स में कैटेगराइज करा है। फर्स्ट है यहाँ पर कंटेंट नॉलेज, सेकेंड है कैरिकुलर नॉलेज, थर्ड है पैडागोजिक सब्जेक्ट नॉलेज। तो इन तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं जरा। ये एक मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, आप इसकी हेल्प से इसको समझ सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट नॉलेज टाइप्स हैं, थ्री टाइप है, पहला है कंटेंट नॉलेज, सेकेंड है कैरिकुलम नॉलेज, थर्ड है पेडागोजिकल नॉलेज। तो कंटेंट नॉलेज क्या होता है कि द काइंड ऑफ नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक, यानी ऐसी नॉलेज जो टेक्स्ट बुक और बुक से निकल बुकल के रेफरेंस बुक या फिर टेक्स्ट बुक से जो निकल के आ रही है ऐसी नॉलेज उसे हम कहते हैं कंटेंट नॉलेज। नेक्स्ट है कैरिकुलम नॉलेज, कैरिकुलम नॉलेज का मतलब होता है एक स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ टीचर फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि एक इफेक्टिव और टीचिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है उसे हम कहते हैं कैरिकुलम नॉलेज। नेक्स्ट है पैडागोजिकल नॉलेज, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट कंटेंट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ लर्नर लेस और प्लानिंग, यानी कि लेक्चर लेस और प्लानिंग, यानी कि जो किस तरीके से आप इसको कौन कौन सी पैडागोजी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी इसको फॉलो करेंगे उस कंटेंट को अपने स्टूडेंट तक डिलीवर करने के लिए, यानी किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आती हैं पैडागोजिकल नॉलेज के अंदर। नेक्स्ट है वे टू इम्प्रूव सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, किस तरीके से आप सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है प्रेजेंटेशन और सेमिनार, यानी सेमिनार और प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड है विजिट एग्जीबिशन एंड पब्लिक लेक्चर, यानी पब्लिक लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करके, या फिर आप यहाँ पे म्यूजियम या एग्जीबिशन वगैरह में विजिट करके भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या कि ऑनलाइन कोर्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग बुक, आप बुक्स को रीडिंग कर सकते हैं, आर्टिकल्स को, रिपोर्ट को, या फिर कोई जो रिसेंट रिसर्च हुई है उनके बेसिस पे कंटेंट पढ़ सकते हैं अपने सब्जेक्ट एरिया में। जैसे कि आप साइंस के टीचर हैं तो आप साइंस से रिलेटेड फिलहाल में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल कोलैबोरेशन, यानी किसी दूसरे स्कूल से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं जहाँ से आपको आइडियाज़, व्यूज़ और नॉलेज और स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर मिलता रहे, तो वहाँ वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्या है डिसिप्लिनरी, क्या होता है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। इट रेफर टू एक्सपर्टीज इन आर डिसिप्लिन एंड विच आर स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज, ये रेफर करता है डिसिप्लिनरिटी रेफर करता है ऐसे एक्सपर्टीज से जहाँ पर आप स्पेसिफिक एरिया और नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो उसे कहते हैं डिसिप्लिनरी। इट इंक्लूड द अंडरस्टैंड ऑफ मैथडोलॉजी एंड द कैपेसिटी ऑफ ऑप्टेन एनालाइज स्पेशलाइज नॉलेज फॉर वेरियस एप्लीकेशन, यहाँ पर इंक्लूड करा जाता है किस तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे, आप समझने के लिए कौन कौन सी मैथडोलॉजी कैपेसिटी उसको अपटेन करने के लिए एनालाइज करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं अलग अलग टाइप्स की नॉलेज और एप्लीकेशन को, तो उसे हम इन चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसके थ्रू आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी, ये एक ब्रॉड कैटेगरी होती है एकेडमिक डिसिप्लिन की जहाँ पर आप वेरियस सब डिसिप्लिन और सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कॉन्स्ट्रक्ट न्यू नॉलेज, ये न्यू नॉलेज को बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, नो एरिया ऑफ नॉलेज इज आइसोलेट, यहाँ पर कोई भी नो एरिया ऑफ नॉलेज इन आइसोलेट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन ऑल फील्ड ऑफ नॉलेज, यानी इसका कोई आइसोलेट नॉलेज नहीं है, यानी कोई अलग नॉलेज नहीं है इसकी, ये एक फील्ड है नॉलेज की, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है कि जहाँ पे आप पढ़ लो, इसको आप ऑल ओवर चीज़ों से कनेक्ट करके स्टडी कर सकते हैं। यानी आपको अगर मैं बात करूँ डिसिप्लिन पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे थे, पर डिसिप्लिनरी के अंदर अगर आप दूसरे सब्जेक्ट की हेल्प लेना चाहें, आप दो से तीन चार सब्जेक्ट को इकट्ठा पढ़ना चाहें तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। डिसिप्लिनरी में कोई लिमिट्स नहीं होती, यहाँ पर आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इट एम्फसाइज द पोटेंशियल ऑफ बाउंड्री क्रॉसिंग ऑफ डिसिप्लिन फॉर न्यू लर्निंग टू क्रिएट न्यू इनसाइट्स, यानी कि यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, आप उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं न्यू लर्निंग नॉलेज को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है क्या क्या डिफरेंट डिसिप्लिनरीज कौन कौन सी होती हैं, तीन टाइप के डिसिप्लिनरीज यहाँ पे हैं।
फर्स्ट है इंटर डिसिप्लिनरी, सेकेंड है मल्टी डिसिप्लिनरी, थर्ड है ट्रांस डिसिप्लिनरिटी। तो इंटर डिसिप्लिनरिटी क्या होता है? इंटर डिसिप्लिनरिटी को इंटीग्रेट नॉलेज ऑफ टू और मोर डिसिप्लिनरी, जहाँ पर आप दो से ज़्यादा टाइप ऑफ डिसिप्लिन की नॉलेज को इकट्ठा करके पढ़ते हैं, और यहाँ पर आप डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी, क्या होता है? आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स यहाँ पर वर्क करते हैं एक साथ, पर यहाँ पर बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते आप। ट्रांस डिसिप्लिनरी के अंदर आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एक साथ काम करते हैं, और यहाँ पर आप डीप नॉलेज किसी भी कंटेंट की लेते हैं, और यहाँ पर आप बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ अल्टरनेटिव डिसिप्लिन की, तो अल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या, डिसिप्लिनरिटी क्या होता है, ये आपका लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने टॉपिक मैंने आपको इसमें बताए हैं, एक तो एकेडमिक डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ टीचर क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर वाला कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सालों से रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है ये अल्टरनेटिव डिसिप्लिनरी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव डिसिप्लिनरी मेनली क्या होता है कि डिफरेंट पैडागोजिकल अप्रोच आर यूज इन एजुकेशनल एक्टिविटी दैट परफॉर्म आउटसाइड द कॉलेज और स्कूल, यानी कि जो आप अलग अलग टाइप की पैडागोजिकल अप्रोचेस या अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ आप यूज़ करते हैं किसी भी स्कूल के अंदर, स्कूल या कॉलेज के बाहर जो भी आप पैडागोजिकल अप्रोचेस यूज़ करते हैं एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए परफॉर्म करते हैं, जो कि आउटसाइड द कॉलेज और स्कूल, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जब आप स्कूल के बाहर यानी स्कूल में बिना जाए कोई चीज़ों को सीखते हैं पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव्स ऑफ डिसिप्लिन, अल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी। इसमें क्या है कि मैनी पीपल इन इंडिया थिंक करते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया के क्या सोचते हैं कि जो अल्टरनेटिव डिसिप्लिन है वो स्पेसिफिक नीड है। अल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या है? एक स्पेसिफिक नीड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस टू लर्न अवे मैन स्ट्रीमिंग फॉर ड्रॉप आउट, यानी ड्रॉप आउट या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट या पीपल हैविंग स्पेसिफिक इंटरेस्ट या वर्किंग स्टूडेंट, उन सभी के लिए जो एजुकेशन बनाई गई है उन एजुकेशन को गेन करना, यानी जैसे मान लो आप ड्रॉप आउट हो, आप मतलब वर्किंग है या फिर आप कुछ चीज़ों को ओपन से पढ़ाई कर रहे हैं, घर बैठ के आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं अल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनरी के अंदर। तो ये किस लिए है, इसका पर्पस क्या था, मेनली पर्पस लिखें चाहे आप इसको इम्पोर्टेंस लिखें, दोनों ठीक है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? देखो, इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है टू मेक एवरी चिल्ड्रन एजुकेट, यानी अगर आप वर्किंग हैं, आप डेली जा नहीं सकते स्कूल, तो क्या आप एजुकेशन नहीं ले सकते? तो उन बच्चों को भी एजुकेशन प्रोवाइड किए जाए, टू मेक एवरी स्टूडेंट एजुकेट, कट डाउन ड्रॉप आउट, यानी जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस चीज़ को डिक्रीज करा जा सके। सक्सेसफुल रिटर्न टू मेन, जो बच्चे पढ़ाई को छोड़ चुके हैं उनको वापस से लाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है बूस्ट क्रिएटिविटी, जब कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो मेनली क्रिएटिविटी पर ज़्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट है फ्री एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फ्री होता है, स्मॉल क्लास होते हैं, स्मॉल साइज क्लास होते हैं, और इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होती है, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है कि वेज ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन, कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम अल्टरनेटिव एजुकेशन को गेन कर सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ऑन स्कूलिंग, सेकेंड है आउटडोर स्कूलिंग यानी स्कूल के बाहर, और ऑन स्कूलिंग स्कूल के अंदर पढ़ाई करना, वर्ल्ड स्कूलिंग, नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग, और अगला है वर्ल्ड ऑफ मेथड एजुकेशन, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो पहले को हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं ऑन स्कूलिंग। ऑन स्कूलिंग क्या होता है कि स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि आपको कब पढ़ना है और क्या पढ़ना है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, टू मोटिवेट द अटेन क्लास फ्रीडम ऑफ चॉइस, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्लास को अटेंड कर सकते हैं, है ना। उनके पास पूरी फ्रीडम होती है कि कब वो क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, कितना पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें। नेक्स्ट है समर हिल स्कूल, समर हिल स्कूल इसी टाइप का एक एग्जांपल है।
समर हिल स्कूल, ये इंग्लैंड के स्कूल्स हैं जो कि एग्जांपल है ऑन स्कूल्स का। समर हिल स्कूल प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस बट नॉट कंपलसरी, ये डिफरेंट टाइप के क्लासेस प्रोवाइड करते हैं पर ये क्या है, कंपलसरी नहीं होता है कि बच्चों को अटेंड करना ही करना है। दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट बूस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इस टाइप के इंस्टीट्यूशन बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसका मेन कॉज क्या है कि स्ट्रेस को कम से कम कर सके और ये लाइफ स्किल को इम्प्रूव कर सके, डेवलप कर सके। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्कूलिंग। वर्ल्ड स्कूलिंग के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है जहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। यानी आपने देखा होगा कई बार ऐसी रिसर्च होती है, कई ऐसे सारे चैनल्स भी आते हैं जहाँ पर आपको विजिट्स ट्रैवल्स करवाया जाता है, जैसे डिस्कवरी वगैरह में लोग विजिट्स करने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर चीज़ों को सीखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड स्कूलिंग के अंदर आती हैं। जो एली गॉर्जन ने एक फैंसी नाम दिया था इसको वर्ल्ड स्कूलिंग का, ठीक है। चिल्ड्रन एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट कल्चर को, सिटीज़ को, लर्न करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, ये प्रोवाइड करता है ग्लोबल एजुकेशन को। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग से तो आप बहुत अच्छे तरीके से एजुकेट हैं, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, आप उससे कहीं भी पढ़ सकते हैं चीज़ों को। ये टेक्नोलॉजी डिफाइन करता है, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली ऑफर करते हैं अल्टरनेटिव मेथड्स को, क्योंकि आप यहाँ पर बिना मतलब कहीं जाए अपने घर से ही चीज़ों को पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक देख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मेथड है अल्टरनेटिव टीचिंग, अल्टरनेटिव डिसिप्लिनरिटी का, ठीक है, जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, यूट्यूब, जहाँ से आप काफ़ी सारे चीज़ों को देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर वीडियो हेल्पफुल है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।